जिस तरह से 25 तारीख को बराई फाटक के ऊपर आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व में दो बार बहादुरगढ़ से रहे विधायक नवेश सिंह राठी की निर्मम हत्या हुई, ये बहुत ही दुख भरी घटना है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से इसकी घोर निंदा करता हूं और इन लोग कार्यकर्ताओं के साथ साथ हमने भी अपनी सरकार से ये डिमांड की है कि भी इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से अगर माहौल खराब हुआ तो आज नफे सिंह राठी के साथ ये घटना हुई है, कल को और किसी राजनीतिक व्यक्ति के साथ भी ये घटना हो सकती है। और जिस तरह से नफे सिंह के परिवार ने मेरा नाम भी इस घटना में लिया है, ये राजनीति से प्रेरित है। इस तरह से राजनीति नहीं करनी चाहिए। नफे सिंह राठी के साथ मेरी कोई द्वेष भावना नहीं थी, ना मेरा कोई मुकदमा है। हां, हम सरकार में हैं और सरकार में होने के कारण आईएनएलडी के सभी नेताओं ने जान पूछकर पार्टी को और मेरे को बदनाम करने के लिए मेरा नाम बीच में जोड़ने का काम किया है, जबकि मेरी संवेदनाएं पूरे परिवार के साथ हैं और मेरा सभी प्रशासनिक अधिकारियों से भी नम्र निवेदन है कि इस दुर्घटना की जल्दी से जल्दी जांच हो और सभी हत्यारे जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं, ताकि शहर के लोगों को भी और इन लोगों के कार्यकर्ताओं और नफे सिंह के परिवार को भी इस बात का पता चले कि जिन लोगों के आपने नाम लिखवाए वो बिल्कुल गलत हैं और सच्चाई सामने आनी भी चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाओं से माहौल खराब होता है, जनता भयभीत होती है और व्यापारी वर्ग में भी भय का कारण बनता है, व्यापार पे भी फर्क पड़ता है। और मेरी एसपी साहब से भी बात हुई है, उन्होंने भी ये कहा है कि भाई जल्द ही हम बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं और जल्द ही जो भी हत्यारे हैं उनको पकड़ने का काम प्रशासन कर रहा है। तो सभी शहर के लोगों की तरफ से मैं भी ये डिमांड करता हूं कि भी जल्दी से जल्दी ये हत्यारे पकड़े जाने चाहिए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ये मेरा निवेदन। आपसे पूछताछ करिए पुलिस ने? नहीं, अभी मेरे से फोन पे एसपी साहब ने पूछा था, मैं कहा जी मैं तो अपने घर हूं। और एक बात और आपको बताना चाहता हूं, सेक्टर 7 में दिन में एक प्रोग्राम था, 17वीं का प्रोग्राम, जांगड़ा परिवार में बपुनिया गांव के लोग रहते हैं, वहां 17वीं के कार्यक्रम में मैं भी गया हुआ था और चौधरी नफे सिंह राठी भी वहां मौजूद थे, मेरी उनसे राम राम भी हुई, खूब अच्छी तरह राम राम हुई, हाथ भी मिला है, कृष्ण जी भी साथ थे, इनसे भी हाथ मिला है। तो उस समय तक कोई ऐसी बात नहीं थी। उसके बाद हमारे ऑफिस पे प्रोग्राम था, हमारे अध्यक्ष जी यहां आने थे, हमने फिर बलबीर जी के वहां जाना था, वहां ज्वाइनिंग थी,
तो उसके बाद यहां जब बैठे हुए थे तो सुनने में आया कि भाई किसी तरह की घटना हुई, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि भी उसको अपने चरणों में स्थान दे और उसके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे, हिम्मत दे, ताकत दे। यही मेरा इस प्रेस वार्ता में कहना। जब ये घटना हुई उस वक्त आप कहां थे? मैं उससे कितनी देर पहले आपके नफे सिंह से बात हुई थी? 2 बजे के करीब हम सेक्टर में, वो दिन का प्रोग्राम है, वो भी वहीं मौजूद थे। कम से कम 100-150 आदमी वहां थे, एक अकेले नहीं थे। और वहां से फिर हम अपने ऑफिस पर आ गए, क्योंकि हमारी तैयारी थी, हमारे प्रदेश एक दर्शन आना था। उसके बाद मुझे नहीं पता वे कहां गए कहां नहीं गए। तो जब आपको पता चला FIR में आपका नाम है, उसके बाद सिर्फ SP का फोन आया, कोई पुलिस टीम? ये तो मुझे अगले दिन पता चला। तो जब हमने कोई काम किया ही नहीं, हमारे मन में कोई खोट ही नहीं है, तो हम अपने घर पे ही हैं, हम क्यों कहीं जाएंगे? घर से तो वो जाता है जिसके मन में कोई खोट हो। आपकी पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई है क्या? अभी कोई पुलिस सुरक्षा नहीं बढ़ाई, लेकिन मैंने मांग की कि जिस तरह से मेरा इस हत्या में नाम आया, उस तरह से मैंने भी अपने परिवार की और अपनी सरकार से मांग की है कि भी मुझे भी जिन लोगों ने मेरा नाम लिया है गलतफहमी में, कोई गलत घटना ना हो, इसलिए मैंने भी अपनी सुरक्षा बढ़ाने की सरकार से मांग की है कि मेरी भी मेरे परिवार की सुरक्षा बढ़ाई जाए। पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुए, जिस तरीके से परिवार का पीड़ित परिवार कहना है कि लगातार विवादों में जब भी कोई FIR दर्ज हो रही थी उनके परिवार के खिलाफ या कोई पुलिस में कार्रवाई की बात आती थी, तो आप सिफारिशी होते थे दूसरे पक्ष के? देखिए, मैं सरकार का नुमाइंदा हूं और हमारी सरकार प्रदेश के अंदर है, केंद्र के अंदर है। कोई गरीब व्यक्ति, कोई भी शहर का व्यक्ति हमारे पास मदद के लिए आता है तो हमारा काम है उसकी मदद करना। गलत और सही ये फैसला प्रशासन का काम, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम गरीब व्यक्ति की मदद करना है, कोई भी व्यक्ति हो, शहर का कोई भी आम व्यक्ति हमारे पास आता है, सरकार की तरफ से हम यहां बैठे हैं, तो हमारा काम ये है कि जनहित में हम जनता की मदद करें, जनता की सेवा करें और जनता की सेवा के लिए यहां बैठे हैं। इसमें हमारा कोई ये नहीं कि भी हमने कोई उनसे द्वेष है या उनसे हमदर्दी है, ना किसी से हमदर्दी है ना किसी से द्वेष है। जो हमारा अपना काम है, जो राजनीतिक व्यक्ति का काम होना चाहिए समाज की सेवा करना, वो हम अपना फर्ज अदा करते हैं। आपके दूसरे साथियों को जिनका नाम है इस FIR में, क्या उनसे भी इस संदर्भ में कोई बातचीत हुई? नहीं, मेरी कोई बातचीत किसी से नहीं हुई। ना मेरे कोई फोन आया आपने क्या? कोई फोन नहीं आया, ना मेरी कोई बातचीत। पुलिस की, दिल्ली पुलिस की टीम या किसी और टीम ने संपर्क किया? नहीं, अभी कोई मेरे पास पत्रकार बंधु तो जरूर आए थे, लेकिन मैंने उनको कहा कि भी अभी दाह संस्कार से पहले मैं कोई भी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि जिस परिवार का सदस्य जाता है उसको दुख होता है, और दाह संस्कार के बाद ही मैं अपनी कोई बात रखूंगा तो सभी प्रेस वालों को बुलाकर रखूंगा कि मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं। इसलिए परिवार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल किलिंग है और सुपारी जेकर किलिंग कराई। वो तो उसका परिवार जाने भाई, सुपारी देकर कराई है, किसने कराई किसने नहीं कराई, वो तो उसका परिवार ही बताएगा। लेकिन इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस तरह से राजनीति वे कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं झूठे साचे, तो इस तरह की झूठ की राजनीति ना चलती है ना करनी चाहिए। और जो भी दोषी है वो सामने आ जाएगा, 2-4 दिन की बात है। अब तो सरकार ने CBI की भी जांच की, यहां बदले भी CBI की जांच कराएंगे, और आना भी चाहिए, दोषी सामने आना चाहिए, सख्त से सख्त सजा, कोई भी है जो भी है उसको पकड़कर सख्त के साथ जो है सजा देनी चाहिए। इतनी सी हत्याकांड से भय का माहौल तो है, कानून व्यवस्था पर सवाल तो खड़ा होता है। देखिए, कानून व्यवस्था पर सवाल तो भाई सरकार के ऊपर उठते हैं, ये तो पहले भी उठते आए हैं, और जिस तरह से पहले की सरकारों में माहौल खराब रहता था, ये तो पूरे हरियाणा के लोग जानते हैं कि सरकार में किस तरह का माहौल रहता था।
लेकिन फिर भी मनोहर लाल जी की मैं तारीफ करता हूं कि उन्होंने हरेक अपने विधायक को और मंत्रियों को ये हिदायत दे रखी कि किसी भी गलत व्यक्ति का संरक्षण किसी ने नहीं करना है, और इसके लिए मैं मनोहर लाल जी का धन्यवाद भी करता हूं कि ऐसी विचारधारा ना भाजपा पार्टी की है ना भाजपा पार्टी के संस्कार है। भाजपा पार्टी खाली गरीब व्यक्ति के लिए काम कर रही है, गरीब व्यक्ति का भला भाजपा पार्टी ने किया है और इसी दिशा में पार्टी काम कर रही है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी बात हुई इस पूरे घटनाक्रम के बाद, जिस तरीके से जाम लगा पूरा मामला सुर्खियों में, राष्ट्रीय सुर्खियां बनी, तब उसके बाद किसी मंत्री का मुख्यमंत्री का फोन आया आपके पास पूरी जानकारी लेने के लिए? नहीं, मेरी कोई बात नहीं।